Hey, what's up YouTube and YouTube producers, दिस इज MacBeats. MacBeats स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप सिंप्लिसिटी को यूज कर सकते हैं आपके म्यूजिक प्रोडक्शन में. तो आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, सिंप्लिसिटी विच मीन्स मेक इट सिंपल. और बहुत से लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि म्यूजिक से रिलेटेड नए से नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो इसके अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए. और आज का वीडियो है सिंप्लिसिटी के बारे में, कैसे बेसिक से एडवांस तक, किस तरह से सिंप्लिसिटी को हम यूज करके बेसिक से एडवांस तक प्रोज लेवल तक लेके जा सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीट मेकिंग फ्रॉम स्क्रैच. और ये है मेरा फेवरेट प्लगइन जो मेरे स्टूडियो में मोस्टली इस प्लगइन को यूज करता हूँ. और ये फ्लैक्स प्लगइन है जो एफएल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है. और इसमें कहीं ज्यादा प्रीसेट्स आपको अलग तरह के साउंड्स मिल जाते हैं. और आज के लिए आप देख सकते हैं ये प्रीसेट को मैंने यूज किया है तो काफी डिसेंट सा साउंड देता है. और इस तरह से ये मेलोडी बन चुकी है. इसको हम वेव फाइल में पहले कन्वर्ट करेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं ये वेव फाइल आ चुकी है. अभी यहां पे थोड़ी टेक्निक को यूज करना है. आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से. ये टेक्निक काफी आसान है बनाने के लिए. इस तरह से आप मेलोडी बना सकते हैं. अभी इसमें हम ड्रम्स को ऐड करेंगे. बहुत लोग अक्सर ये सवाल मुझे पूछते हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछा करते हैं कि कौन सा डॉग खरीदे. मेरे ओपिनियन से, मेरी राय से, ऑल डॉग्स आर सेम. सारे डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ दिखने में अलग आपको लगते होंगे. अभी जो कहूंगा वो याद रखना, सिंप्लिसिटी इज द की. यस, सिंप्लिसिटी वो एक सीक्रेट है जिससे आप सिंपल वे में बेसिक से एडवांस या तो प्रोफेशनल लेवल तक बीट्स बना सकते हैं. और आपको बीच में ब्रेक लेना है. एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10-12 घंटे डेली अपने स्टूडियो में म्यूजिक बनाते हैं तो आपको एटलीस्ट आधा एक घंटा रेस्ट लेना है. और स्टूडियो में नहीं, थोड़ा सा आपको बाहर के लिए टाइम निकालना है ताकि आपकी ईयर्स यानी कानों के लिए कुछ फ्रिक्वेंसीज है वो ऑटोमेटिकली रिबिल्ड हो जाते हैं या तो रीजनरेट हो जाते हैं. इसके कारण हमें कुछ नया सुनने मिलता है जो कुछ घंटे आपने पहले सुना होगा. तो इसके कारण हम अच्छी तरह से बीट को बना सकते हैं. कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको भी ये लगता है. तो आधे एक घंटे के बाद आप जब वापस ट्रैक को प्ले करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नया फील होगा. ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से है.
10-12 घंटे में से आपको आधा एक घंटे का ब्रेक लेना है ताकि आपके कानों को रेस्ट मिल जाए, आपके ईयर्स को रेस्ट मिल जाए। आपको अगर कोई भी म्यूजिक बनाना है, कवर सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग, हाउस म्यूजिक, या फिर कोई भी आपको आपके हिसाब से ट्रैक बनाना है स्क्रैच से, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दे दिया है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें डायरेक्ट पीएम कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि म्यूजिक से रिलेटेड नए से नए वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैक साइनिंग आउट।